आज ज्वाइनिंग की सफलता भी बहुत महत्वपूर्ण रंग खिलाएगी ऐसा मुझे लगता है। मोदी जी को धन्यवाद तो दो चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अटल जी ने शुरू किया 99 में और अब परवान चढ़ा, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, सीखने जैसा क्षण है। असफलता होने के बाद भी सफलता के द्वार तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ऐसा क्षण है। बहुत सीख मिलती है कल की घटना से। आज पूरा देश चंद्रयान 3 की सफलता पे बहुत गदगद है, और भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदेश मुख्यालय, इतने वर्गों के लोग, इतने वरिष्ठ लोग आए हैं, इनसे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय भी गदगद है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया, सबके नाम भी ले सकता हूं। बहुत से लोग हंस भी रहे हैं, बहुत से लोग मुस्कुरा भी रहे हैं। कभी मैंने उनके साथ काम किया, कभी उन्होंने मुझे कहा कि आपका ट्रांसफर हो गया, आप कुर्सी छोड़ो, कब मैंने कहा आपका ट्रांसफर हो गया, आप कुर्सी छोड़ो। ऐसी स्थिति भी रही है हमारी, और आज हमारे साथ आए हैं बीजेपी के नीतियों से प्रभावित होकर के, और समाज के प्रमुख लोग हैं, उनका समाज में बड़ा नाम है। मैं कईयों को जानता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, जब इनका नाम आया तो मुझे लगा ये तो पहले से ही बीजेपी में है। बोला नहीं, औपचारिक सदस्यता लेनी है आज। मैं जिन्होंने भी आज औपचारिक सदस्यता ली है उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बोलिए भारत माता की। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सब लोगों में विशेष आस्था है, विश्वास है कि यही पार्टी है और यही नेता है जो इस देश और प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे पहुंचा सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों 4.5 साल में जिस प्रकार का महाभ्रष्ट सरकार ने काम किया, जो सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, जिस सरकार ने राजस्थान के विकास को अवरुद्ध कर दिया, जिस सरकार पर उन्हीं के विधायकों और मंत्रियों का भरोसा नहीं, उनके पार्टी के लोगों का भरोसा नहीं कि हम जिस मैनिफेस्टो के आधार पर चुन के आए, हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। हमने कर्जा माफ नहीं किया, हमने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, अब जनता हमें पकड़ने वाली है। तो ऐसे में सब लोग आज पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने वाले माननीय भवनलाल जी नवल जो रेगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बार जोरदार कैलाश चंद्र वर्मा जी जो प्रशासनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हैं और ये लंबे समय से सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं, इनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय हनुमान सिंह जी भाटी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, इनके पिताजी भी माननीय नारायण सिंह जी भाटी भारतीय पुलिस सेवा में बड़े लंबे समय तक सेवाएं दी हैं, उनका एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। श्री कुंवर राव गगन सिंह जी जो हमेशा सेवा के कार्यों में और कोविड से लेकर हमारे मंदिरों के निर्माण में अनेक कामों में अग्रणी रहे हैं। श्री ओम प्रकाश मीणा जी इनकम टैक्स में कमिश्नर रहे हैं, इनका भी हम सब लोग अभिनंदन करें। श्री राजाराम मीणा जी सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी हैं। श्री बहादुर सिंह जी गुजर जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग, बहुत इस क्षेत्र में लंबे समय से वैचारिक संगठनों से जुड़े हुए, बहुत अच्छा जिन्होंने काम किया। श्री ओम प्रकाश बागड़ा जी जो मंडल और जिले में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया और पंचायत समिति
लाडनू में सदस्य नागौर जिले से हैं, इनका एक बार ताली बजाकर अभिनंदन करें। श्री नरेंद्र गौर जी मुख्य आयकर आयुक्त से ये सेवानिवृत्त हुए हैं और कौटल्य क्रांति संस्थान के नाम से एक संस्था चलाते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट। राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं सबका स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन करता हूँ।